बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल इस्टेट। उम्मीद करता हूँ साहब दोस्त खरीय से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज पाकिस्तानियों को। काफ़ी दिन हुए हमने बात नहीं की मुल्तान के ऊपर, क्योंकि थोड़ा टफ चल रहा था मैं, और मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर जो नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा कि मैं ऑन ग्राउंड मुल्तान में जा के आपको सेक्टर वाइज बताऊँ, 5 मरला की कैटेगरी, 10 मरला की, 8 मरला की और 1 केनाल की। कमर्शियल्स के हवाले से बताऊं आपको, 4 मरला सेक्टर्स के अंदर, मेन बुलेवार्ड्स के अंदर, पाकिस्तान स्क्वायर के अंदर, सेंटर स्क्वायर के अंदर, और उसके गेट जो है वो सारे आपको विज़िट कराऊं। जो W की तरफ से गेट आ रहा है वहाँ पे, जो W12 की तरफ आ रहा है वहाँ पर, जो बुलेवार्ड है वो कितना उन्होंने कम्प्लीट कर लिया। इरादा मेरा यही है इंशाल्लाह कमिंग वीक में मैं वहाँ पे डिटेल्स में जाके, सैलाबों की वजह से मैं निकल नहीं पाया, मसरूफियात इस तरह की थी, और इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि मैं आपको DH मुल्तान कंप्लीट विज़िट करवाऊँ। DH मुल्तान के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ कि काफ़ी लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो कैसा होगा, क्या होगा वहाँ पर। मेरे ख्याल में जो मेरी असेसमेंट है, जो 20 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, वो ये बताता है कि DH मुल्तान बेहतरीन प्रोजेक्ट है, और डेवलपमेंट के हवाले से, उसके प्लानिंग के हवाले से, उसकी फैसिलिटीज़ के हवाले से इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट जनूबी पंजाब में और कोई नहीं है। आप कैंट को भी अगर कंपेयर करें तो मैं समझता हूँ कैंट में भी उतना वो हिसाब किताब नहीं बनता जितना के उसमें। मुल्तान की सराउंडिंग सोसाइटीज़ को भी मैंने बड़ा डिटेल में देखा है। मैं मुल्तान में जो रियल इस्टेट का काम है मैं 2013 में कर चुका हूँ। 2013 में बड़े प्रोजेक्ट में मैंने हिस्सा लिया, अब नाम लेना नहीं चाहता, और हमने वो प्रोजेक्ट कामयाब भी होते देखे, और वहाँ के और आज के यहाँ पे रेट जो हैं वो भी कंपेयर करते हैं, तो मेरे ख्याल में अगले 3 साल में DH मुल्तान के साथ आप किसी भी प्रोजेक्ट को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। पापटा 1-2 में भी मैंने देखा, और वहाँ का रेट और यहाँ का रेट भी देखा। काफ़ी शुरू में लोग कहते हैं, DH लाहौर बना था जब, तो लोग कहते थे अब जंगल में हम नहीं जाते। फिर फेज़ 1 आबाद हुआ, 2 बना कहते जंगल में नहीं जाते, 3 बना कहते जंगल में नहीं जाते, अब फेज़ 10 तक आबाद, 9 तक आबाद होते जा रहे हैं, और लोग आगे जा रहे हैं। लोगों को एक्सपीरियंस हो गया, लाहौर के लोग समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस तरह कहाँ पर की जाती है। ये अवेयरनेस जब मुल्तान के इन्वेस्टर ने इसको आप समझे कि फॉलो कर लिया इस पॉलिसी को कि DHs हमेशा बनते ही साइड पे, उनकी लोकेशंस अपनी होती है, उनका अपना एक वजूद होता है, वो किसी के साथ नहीं पहचाने जाते, उनकी एक अपनी पहचान होती है, उनकी अपनी एक मौजूदगी होती है, उसके सराउंडिंग में लोग उनसे बेनिफिट उठाते हैं, ना कि DH किसी की सराउंडिंग का बेनिफिट उठाए। DH एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होता है। जब मुल्तान के लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी, और वो आ जाएगी, काफ़ी लोगों को आ चुकी है और मज़ीद लोगों को आती जाएगी, जब वो लोग यूज़ टू होना शुरू हो जाएंगे, जैसे थोड़ा सा आबादी विलास में भी आती जा रही है, Ascri 2 में आती, Ascri 3 जो बना है वो Ascri उसके अंदर ही, वहाँ पे लोगों को अब रहन सहन का पता चलता जा रहा है। जब ये सारे प्रोग्राम जो जितने प्रोजेक्ट हैं ऊपर आएंगे, सामने नज़र आएंगे। अभी उस दिन मैं खड़ा था रात को, शायद आपने मेरी वीडियो पिछली देखी हो, मैं मुल्तान में बनाई थी एक, तो वहाँ पे फूड स्ट्रीट इतनी ज़बरदस्त बन गई आपके वो अरीना के साथ ही, तो ये सारी साथ में वो जू बन गया, साथ में स्पोर्ट्स क्लब जो है वो बन गया है, साथ में आपके जो विलास है वो बड़े रेडी है, मार्केट वहाँ पे बन रही है, एक माल बन रहा था, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। इसी तरह और भी चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं, वहाँ पर जो रोमांसा है गोल्फ कोर्स वो कम्प्लीट होगा, तो एक एक नई चीज़ें उजागर होंगी सिटी के अंदर। लोग जो बड़े बड़े सरमायादार लोग हैं मुल्तान के अंदर, वो जब वहाँ पे राग़िब होंगे तो लोगों को एहसास होगा, वो जो लोकल एरियाज़ हैं और महंगे एरिया हैं वहाँ से निकल के वो आएंगे DH के अंदर, तो वहाँ पे रेट फिर बनना शुरू हो जाएगा। आज मैं हैरान होता हूँ कि एक कनाल का प्लाट वहाँ पे 70 लाख का मिलता है, और मैक्सिमम 1 करोड़ 50 तक का भी रेट है। मेरे ख्याल में जो 1 करोड़ 50 वाला है वो 3 करोड़ का प्लाट है, और मैं समझता हूँ ओवरऑल अगर शार्टली आपको बताऊँ मुल्तान के बारे में, तो जो रेट जहाँ पे है, 5 मरला है, 10 मरला है, 8 मरला है, या कनाल का है या कमर्शियल का है,
तो ये 100% रेट आपका बढ़ेगा। मेरी जो रूटीन वर्क है, मैं जो वर्क करता हूँ आपको बताता हूँ, मेरा थोड़ा मुख्तलिफ एंगल से मैं बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ। ना मैं ज़्यादा पेपर्स के ऊपर काम करता हूँ, ना मैं ज़्यादा मैप के ऊपर काम करता हूँ। मैं प्लानिंग देखता हूँ, पॉलिसी देखता हूँ और फ्यूचर देखता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या फ़ायदा हो रहा। जनरल सी मोटी मोटी बात ये बताता हूँ कि 5 मरला इस वक्त है 32 लाख से लेकर 42 लाख तक, वो 1% एक यानी कि 100% आपको प्रॉफिट देगा। वो 80 लाख से नीचे प्लाट नहीं मिलेगा आपको। जो 8 मरला है वो भी आपको 100 से नीचे, 1 करोड़ से नीचे प्लाट नहीं होगा। जो 10 मरला है वो आपको 1.5 करोड़ से नीचे प्लाट नहीं मिलेगा। जो कनाल का वो 3 करोड़ से प्लाट नीचे नहीं मिलेगा। ये 2025 की बात कर रहा हूँ। 2025 के बाद आप मुझे बताना कि डीएच मुल्तान कहाँ खड़ा है। एक और बात बताता चलूँ कि जो ये रियल इस्टेट सेक्टर होता है ये डेज डेज के हिसाब से नहीं चलता। ये कोई बैंक के हिसाब से कैलकुलेट मार्जिन नहीं होता कि आप बताएं कि इतना आपने लिया, इतना आपने देंगे, इतना मार्कअप होगा। ये वो चीज़ें नहीं है, ये कैलकुलेट आप नहीं कर सकते। ये डॉलर्स के साथ, गोल्ड के साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ, मुख्तलिफ जो हमारे पास बिजनेस टूल्स हैं उनके साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसका एक अपनी हिस्ट्री है और ये अपनी कैपेसिटी है। इसकी इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि ये कोई भी मामले में आप चले जाएं तो इसका मुकाबला वो नहीं कर सकते, इसके साथ कंपटीशन वो नहीं कर सकते। जब ये चलता है तो फिर वो आपको आइडिया नहीं होता कि आपको प्रॉफिट कितना हो चुका है। तो मैं अभी समझता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ आप सब दोस्तों को कि आप डीएच मुल्तान में 5 मरला की कैपेसिटी रखते हैं तो फ़ौरन परचेज करें। 8 मरला, 10 मरला, 1 केनाल और कमर्शियल, जो ये बंदा कैपेसिटी रखता है मेरे ख्याल में उसके लिए ये बेहतरीन टाइम है, आइडियल इन्वेस्टमेंट है और आइडियल टाइम है और फ्यूचर के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। मेरे ख्याल में डीएच मुल्तान जब कंप्लीट होगा तो एक बेहतरीन रिहायशी मनसूबा जनूबी पंजाब के हिस्से में आया है और मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों की खुशकिस्मती है और वो खुशकिस्मत है कि इस तरह का प्रोजेक्ट उनके सामने और वो यहाँ पर रिहायश रख सकते हैं। और अभी जो है कैपेसिटी के अंदर है, आप वहाँ पर जितना हो सके बेहतरीन परचेज करें और एंड यूज़र के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा मुल्तान के लोगों को मैं कहूँगा कि आप वहाँ पे हिस्सा लें और आपने रिहायश बनाएं बेहतरीन जगह पे, बेहतरीन सिक्योरिटी में, बेहतरीन फैसिलिटीज़ के अंदर। तो आज इंशाल्लाह इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम ऑन ग्राउंड मुल्तान में बनाएंगे और रहे हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।